हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ दार्जिलिंग में होने वाला फलों को। तो आप भी देखना चाहते हैं यहाँ दार्जिलिंग में होने वाला फलों को, तो इस वीडियो में बने रहेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज का पेड़, ऑरेंज तो नहीं लेकिन नए ब्रिटिश में यहाँ पर ऑरेंज हो जाएगा। अभी छोटे छोटे दाना आना शुरू हो चुका है ऑरेंज का, तो अभी नए ब्रिटिश में भी खाने का लाइक हो जाएगा ऑरेंज। अभी तो छोटे छोटे दाना आना शुरू हो चुका है ऑरेंज रेनी सीजन के टाइम पर, तो नवंबर डिसंबर ये खाने का लाइक हो जाएगा जब भी यह ऑरेंज होता है। तो इस बगान यहाँ पर देख सकते जिंग सिंह का पेड़, इसे सिमल तरुल बोलता है। ये सिमल तरुल माँ के संक्रांति के दिन खाता है, तो इसका रूट खाता है ये सिमल तरुल। और इसका ये जो पत्ता वगैरह होता है ये बकरा वगैरह के लिए दाना होता है, ये से बोलता है जिंग सिंह। तो ये सिमल तरुल बोलता है, इसका रूट खाता है माँ के संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदरक वगैरह भी उगाया गया है अपनी किचन गार्डनों में। तो यहाँ पर अपनी गार्डनों में, किचन को गार्डनों में केरा को भी लगाया गया है, देख रहे केरा। तो ये एक दो हफ्ता बाद खाने का लायक हो जाएगा केरा। यहाँ पर देख सकते हैं कैरेट में चिल्ली को उगाया गया है, लेकिन बारिश के कारण अच्छा नहीं हो रहा है उतना चिल्ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ली अपनी कैरेट में लगाया गया है किचन गार्डनों में, इस बारिश के कारण उतना अच्छा नहीं हो रहा है चिल्ली वगैरह। यहाँ पर देख सकते हैं एवोकाडो, एवोकाडो तो ये भी फल रहा है। ये यहाँ पर नीचे कॉफ़ी भी है, यहाँ एवोकाडा है देख सकते हैं एवोकाडा, नीचे कॉफ़ी है। अभी कॉफ़ी और एवोकाडा भी फल रहा है यहाँ पर गार्डन में, तो देख सकते हैं यहाँ पर एवोकाडा। और यहाँ पर देख सकते हैं अमरूद, अभी रेनी सीजन में छोटे छोटे दाना आना शुरू हो चुका है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में खाने का लायक हो जाएगा। लेकिन अमरूद जब होता है यहाँ पर, लेकिन बड़ी बंदर बहुत परेशान करता है अमरूद की वजह से, यहाँ पर बंदर बहुत परेशान करता है। तो देख सकते हैं अमरूद, ये इसकुस का गाछ है, और इसकुस तो नहीं, ये इसकुस का गाछ है।